हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य एट किचन। आज मैं आपके साथ होली स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। होली जो है, जिस तरह से तरह तरह के हरेक रंगों का त्यौहार है, उसी तरह से ये व्यंजन से भरा हुआ, यानी जैसे इसमें खट्टा मीठा हर तरह का टेस्ट मिल सके, उसी तरह से। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं ये बताऊंगी कि मैं बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाए जाने वाला मालपुआ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले बोल से 2 बोल मैदा ले रही हूँ, 1 बोल सूजी, 1 बोल चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बनाना भी ऐड करूंगी, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे चीनी कम ऐड कर सकते हैं। 3 इलायची जिसे मैंने क्रश कर लिया। तो अभी मैंने इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट मिला लिए हैं, रखे हुए हैं। अभी और एक साइड में मैं बनाना मैश कर लूँगी। दो बनाना मैंने ऐड किया है और अब मैं इसे थोड़ा फॉर्क की सहायता से मैश कर लूँगी। तो ये मैश हो चुका है। ज़्यादा जूम कर दिया है क्या? नहीं तो अब मैं इसे इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। बिना बनाना के भी ये पुआ बनता है, लेकिन बनाना डाल करके कई लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको पसंद है तो आप बनाना ऐड करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी गुनगुना दूध, डालूंगी धीरे धीरे। ज़रूरत के हिसाब से अगर आप चाहें तो दूध में भी इसे घोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पानी में भी इसे घोल सकते हैं, गुनगुने गर्म पानी में। तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध, अगर ज़रूरत पड़ा तो मुझे मैं गुनगुना गर्म पानी भी लूँगी। जब भी पुआ बनाना हो, कम से कम आधा घंटा पहले आप इसे घोल करके, मिक्स करके घोल करके रखें, और बहुत देर तक इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यूसली आप अगर इसे इस तरह से फेंटेंगे तो ये बिना सोडा के भी बहुत अच्छे से फूलेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने हल्का सा गुनगुना गर्म कर लिया है, इसी कटोरी में डाल लिया है। अगर गुनगुना पानी आप लेते हैं तो जो चीनी लेते हैं ना, वो बहुत आसानी से घुल जाता है और बहुत ही अच्छे से सूजी और मैदा फूल जाता है। 30 मिनट अगर आप कम से कम छोड़ देते हैं, रख देते हैं इसे घोल करके, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाता है, सेट हो जाता है। आपको अगर सौंफ पसंद है तो आप इलायची की जगह सौंफ भी ले सकते हैं। कंटिन्यूसली घोलते रहना है, आप किसी बड़े स्पून से, बड़े चमचे से इसे घोल सकते हैं। तो इसे मैंने घोल लिया। इसे मैं कम से कम मैं 15-20 मिनट तक ज़रूर रखूँगी, लेकिन होली के दिन अगर आप इसे बना रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले घोल करके रख लें। तो तेल को मैंने गर्म कर लिया है और आप देख सकते हैं ये लैडल मैंने लिया है। इस वाले लैडल से मैं इसमें घोल को, पुए वाले घोल को डालूँगी, मालपुए वाले घोल को। तो सबसे पहले मैं देख लूँगी
कीथ, मुझे तो आइडिया है कि ये तेल गर्म हो चुका है, लेकिन आप क्या करें कि सबसे पहले आप बिगिनर्स हैं तो एक छोटा सा ड्रॉप आप डाल के देख सकते हैं। अगर ये ऊपर आ जाता है यानी तेल गर्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ गया है। तो जब ये ऊपर आ गया है तो यानी तेल गर्म है, तो अभी आपको पुआ डालना शुरू कर देना चाहिए और उतना ही डालना है जितना कि आपका गहरा या जितना पुआ इसमें ले सकता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस वाले लेडल से। तो बिगिनर्स भी आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीन डाला, जबकि तीन के हिसाब से ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है। ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर आप इसमें वन बाई वन ही डालें। मैं फ्लेम को कर दे रही हूँ लो टू मीडियम। इसे मैं पलट दे रही हूँ। और इसको इसे बहुत ही हल्के से इस तरह से अगर प्रेस करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला पुआ बिल्कुल फूल रहा है, लेकिन ये फैल नहीं पाता है। तीन अगर मैंने डाल दिया तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से फैल नहीं पाएगा ये, इसलिए इस तरह से आप ना करें। आप देख सकते हैं ये बढ़िया फूल गया है। ये तो अब मैं इसे निकाल लूंगी, इसे ज्यादा डार्क मैं नहीं करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से डालना है। अगर आप इस तरह से डालेंगे तो फैलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने लिया एक लैडल और लैडल में ये होल भरा और इसे फैला हिलाना नहीं है, बस एक जगह ऐसे ही रखना है, ये अपने आप फैल जाएगा। और इसे थोड़ा सा इसी तरह से बिना हिलाए डुलाए आपको इसी तरह से रख देना है। फिर आपको जैसे ही लगे कि ये थोड़ा सा फूल रहा है तो ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको तेल डालना है। इस तरह से आपको ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देना है। और आप देख सकते हैं कि पहले जो मैंने तीन पुए एक साथ डाले वो बिल्कुल भी बहुत अच्छे से नहीं फूला था। एक्चुअल जो बनता है वो इसी तरह से बनता है और ये बहुत बढ़िया से फूल गया। तो कभी भी दो तीन अगर बर्तन आपका यानी आपका जो पैन है वो गहरा है चौड़ा है तो आप दो तीन डाल सकते हैं, लेकिन अगर गहरा चौड़ा नहीं है, तेल उसमें ज़्यादा आपने नहीं डाल रखा है, तो आप मत डालें उस तरह से। और इसे पलट करके इसी तरह से देखते रहना। अब आप देख सकते हैं ये मेरे
मालपुए को, कितना बढ़िया फूल गया है ये। और अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है ये मालपुआ, और ये होली में आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।